के साथ महेश्वर एक बार फिर से आक्रमण की मुद्रा में, लेकिन अच्छा बचाव काफी मजबूत। महिदल के जो डिफेंस है, और महिदल ने एक बार पूरी तरह से आक्रमण का मोर्चा खोल रखा है और सेव किया महेश्वर ने। लाइट ग्रीन कलर की जर्सी में पांच नंबर की जर्सी में और एक बार फिर से आक्रमण की मुद्रा में बड़ी डी के अंदर और तेजी से जद्दोजहद चलती हुई भैंसवार ने सेव किया, आक्रमण को विफल किया 15 नंबर की जर्सी के प्लेयर ने। और दोनों ही टीम के प्लेयर्स और महिदल ने किक लिया है इस समय मध्य मैदान में खेल चलता हुआ, और दोनों ही टीमें एक दूसरे को भांपने में लगी हुई हैं। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए महेश्वर के प्लेयर लंबे और बाईस अपने साथी खिलाड़ी को छोटे पासों के द्वारा आगे बढ़ाते हुए गेंद, वही फिर अगेन गेंद स्वावल के कब्जे में और यहाँ पर 369 के पास गेंद है और चांस नो, और ये स्वावल की ओर से। हाँ थोड़ा सा आप लोग जब खिलाड़ी हैं तो नियम तो जानते ही होंगे, हम तो मान लो कमजोर हैं। हाँ जब हमको दिख रहा है तो आपको तो ठीक ही है। और ये मुकाबला चल रहा है, कॉपरेट करिए, कोई काम होता है कितनी मेहनत से। अगर यहाँ पर सांसद महोदय जी के उस वो चल रहा है तो थोड़ा सा गरिमा को भी बना के रखे। और ये अभी भी मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच संघर्ष, उचैरा का लंबा केक और गेंद सीमा रेखा बाहर। और मैयर की जूनियर टीम मंच पर संपर्क करें, मैयर जूनियर टीम आ गई आगे। ओके बारी खुर्द का अटैक, और ये उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया लेकिन बीट करते हुए गेंद अभी भी बारी खुर्द के पास, और इधर उचैरा के खिलाड़ी बारी खुर्द के एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करते हुए और वहां पर थोड़ा सा गिरे। रेफरी महोदय, और गोल शानदार तरीके से गोल, निर्णायक महोदय गोल्डन बॉल चल रहे हैं क्या, गोल्डन बॉल जी हाँ। आरिफ और सोहावल की टीम बाहर, सोहावल की टीम बाहर। निश्चित तौर पर दर्शकों को सुनने में काफी अच्छा माहौल लगेगा इस प्रदर्शन से। इसके तुरंत पश्चात अगला मैच विनायक एकेडमी और सतना, विनायक एकेडमी सतना और लेकिन बाहर मार बैठे। दर्शकों बंधुओं से गुजारिश आपकी उपस्थिति और अच्छा बचा इस बार जूनियर मैहर ने बचाया।
लेकिन अभी भी एक एक गोल मारने के लिए तैयार और एक गोल। तो इस तरह से दोनों टीमों ने नहीं मार सीट कल हम रजनीश सर से जल्द जल्द पूछ लिए थे कि जब वो आएगी इन गुजरात से तो उसको मार्कशीट दे दीजिएगा और फॉर्म भरवा लीजिएगा और पूरी प्रोसीजर कर लीजिएगा क्योंकि फीस सब जमा थी हमने चीट लगा दी। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा वह सुल्तान क्लब मैहर एवं जूनियर एफसी मैहर के बीच इस मैच के तुरंत बाद खेला जाएगा। मैं दोनों ही टीमों के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि अपनी टीमों को तैयार रखें। सुल्तान क्लब मैहर, जूनियर एफसी मैहर, दोनों ही टीमें इस मैच के तुरंत बाद। डिफेंडर ने बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी भी डी के पास बॉल, दबदबा कायम किया इस बार सुल्तान क्लब मैहर ने। और ये चकमा देते हुआ कोई समझ नहीं पाया गोल पोस्ट के अंदर, ये पहला गोल सुल्तान क्लब मैहर। गोल मारने वाले खिलाड़ी का नाम जानना चाहते हैं, इमरान। सिराज, मिराज, थैंक यू। मिराज ने दंदनाता शॉट गोल पोस्ट में अंदर किया बॉल को, 1-0 से अपनी टीम को बढ़त दिलाई। सुल्तान क्लब मैहर 1, जूनियर क्लब मैहर 0। करती हुई बैसवार का अटैक, लेकिन काफी अच्छा डिफेंडर उचेरा टीम की बचाया, लेकिन मिस हुए खिलाड़ी। बॉल बैसवार की टीम के पास, लेकिन मिस। बॉल आउटलाइन के बाहर। क्रिकेट खिलाड़ी आशिक, और अच्छा बचाओ के जरिए बॉल पहुंचाई सेंटर तक अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जूनियर एफसी मैहर की टीम। छोटे कद के खिलाड़ी, लंबा क्रॉस दिया लेकिन डिफेंस ने हेडर के जरिए बॉल अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाकर काउंटर बनाती हुई अब सतना की टीम विनायक एकेडमी। छोटे छोटे पासों से बढ़ती हुई विनायक एकेडमी सतना की टीम अभी भी साथी खिलाड़ी खोज में। बॉल रुपेश अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन बॉल छीनी पुनः जूनियर एफसी मैहर की टीम के खिलाड़ियों ने। अब काउंटर बनाते हुए मैहर की टीम साथी खिलाड़ी खोज में, बैक पास अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 408 को दी। 408 ने पुनः राइट विंग पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल छोड़ी, बॉल के पीछे लगी हुई लेकिन बॉल को क्लियर किया। अब काउंटर पर सतना की टीम, लेकिन बॉल